हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्राम पंचायत सहायकों ने भिक्षा मांगकर सरकार का किया विरोध। चार सूत्री मांगों को लेकर ग्राम पंचायत सहायकों का धरना आज बुधवार को नौवें दिन भी जारी रहा। ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा नियमितीकरण एक विभाग करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कोर्ट द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय देने की मांग को लेकर धरना जारी है। बुधवार को पंचायत सहायकों ने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में हाथों में कटोरा लेकर भिक्षा मांगकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पंचायत सहायकों के इस अनोखे विरोध को देखकर लोग इकट्ठा हो गए। पंचायत सहायक जिलाध्यक्ष हुक्मा राम जाखड़ ने बताया कि चार सूत्री मांगों को लेकर पंचायत सहायक करीब 9 दिन से धरने पर हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन सहित राज्य सरकार की होगी। संघ के पूर्व अध्यक्ष पेमा राम सारन ने बताया कि सरकार आनी चुनावी घोषणा पत्र के पंचायत सहायकों को नियमित करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि सरकार वादों को भूलकर ग्राम पंचायत सहायकों का शोषण कर रही है। सारन ने कहा कि यदि समय रहते सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो चुनावों में परिणाम भुगतने को तैयार रहें। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।